हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, आज जो है डीएलएड का मैरिट लिस्ट जारी करने वाला है, बिहार डीएलएड का मैरिट लिस्ट। आज 30 तारीख है, हम आपको दिखा देते हैं कि आपको मैरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको fastjobsearch.com सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप आ जाइए, एडमिशन में आ जाइए। एडमिशन में आने के बाद आपको जितना भी एडमिशन का प्रोसेस या फिर जितना भी जगह से एडमिशन हो रहा है वो सारा लिंक आपको यहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, बिहार देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जहाँ से आप पहले फॉर्म ऑनलाइन करते थे, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मेन साइट जो भी है डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिंक दिया गया है कॉलेज का, वो लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। जैसे कि बता दें, मुजफ्फरपुर के लिए आपको यहां से डाउनलोड करना है, और यहां से आप वैशाली पटना के लिए जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से भी आप जो है इसके लिए अररिया के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाते हैं, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अगर मैरिट लिस्ट डाउनलोड करना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए। जैसे कि क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर हम क्लिक हेयर करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा। हम जो है यहाँ पर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था, अप्लाई ऑनलाइन के नीचे क्लिक हेयर पर क्लिक करते थे, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, तो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पर, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो ये आपको जो है मेन वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइट पर लिखा हुआ है madhepuraDIT.com, ये मेन साइट है इसका। अब आपको यहाँ से हम एक बात और बता दें कि एक बार हम बैक आने आ जाते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको इसमें पता चल जाएगा कि मेरिट लिस्ट 30 को जारी करने वाला है या नहीं, या फिर जारी करेगा तो आखिर किस वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से हम एक नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मधेपुरा का जो साइट दिया गया है, वो साइट ये है madhepuraDIT.com, www.madhepuraDIT.com। इस साइट पर आपका जो है जितना भी कुछ पब्लिश किया जाएगा, इस साइट पर पब्लिश किया जाएगा। अब आ जाते हैं किस तारीख को पब्लिश करेगा, तो वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 को बैठक हुआ, 27/5 को, और मेधा सूची प्रकाशित करेगा, वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा या सूचना पत्र पर प्रकाशित करेगा। साथ ही साथ 30 तारीख को प्रकाशित करेगा, यानी कि आज प्रकाशित करेगा, ऐसा डेट लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से वेबसाइट पर मेधा सूची प्रकाशन होगा, कहाँ पर, तो वेबसाइट पर होगा, तो यानी कि कॉलेज की वेबसाइट पर होगा। तो कॉलेज का वेबसाइट क्या था, यहाँ पर आप देख ही लिए, www.madhepuraDIT.com। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी उसके डिस्ट्रिक्ट वाला जो भी ऑफिशियल साइट है कॉलेज का, उस पर पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको साइट पर आना है, ऑफिशियल साइट पर, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करें जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते थे। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये इसका मेन साइट है, तो ये मेन साइट पर आ जाएगा। तो मेन साइट पर यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन में, या नहीं तो सीधे नीचे आ जाइए, तो नीचे में आपको मेरिट लिस्ट या तो इस कॉलम में मिल सकता है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें, और या नहीं तो आप यहाँ से नीचे आने के बाद देख सकते हैं मेरिट लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट, यहाँ पर है मेरिट लिस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, चलिए हम एक बार और क्लिक कर लेते हैं यहाँ से मेरिट इम्पोर्टेंट लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक मेरिट लिस्ट, तो आपका जो है यहाँ से मेरिट लिस्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट लिखा हुआ, लेकिन पब्लिश कुछ भी नहीं किया गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो हो सके तो फास्ट जॉब सर्च के मेन वेबसाइट पर भी दे देगा। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि बिहार ITI का भी बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है मेरिट लिस्ट, और साथ ही साथ 11th में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं वह भी जो है मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही जारी करने वाला है। आपको यहां से डाउनलोड करना है, उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं OFSS BSEB 11th मेरिट लिस्ट कमिंग सून 2019, और यहीं से आपको बिहार ITI का भी मेरिट लिस्ट मिल जाएगा।
तो बिहार आईटीआई का मेरिट लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा और 11th में एडमिशन के लिए यहाँ से। और जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी पब्लिश किया जाएगा, वो आप जो हैं यहाँ से आ जाएगा इसके मेन साइट पर, BNMU से हैं तो यहाँ से। तो 6 तारीख को दिया गया कि पब्लिश किया जाएगा कट ऑफ, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही पता चलता है हमें तो हम आपके बीच मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दें। तो इसके लिए आप चैनल से ज़रूर बने रहें, जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।